जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी में पहली बार भारत के मशहूर भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा ने दी लाइव प्रस्तुति। महाकाली के चरणों में रात भर दी गई सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां, दुल्हन की तरह सजाया गया मंदिर, माँ काली का हुआ मनमोहक श्रृंगार और अर्पित किया गया महाप्रसाद। सुरक्षा के मद्देनजर सागर गेट तथा घास मंडी के पास वाहनों की पार्किंग की गई। 10,000 से अधिक भक्तों ने लगाई मां के चरणों में अर्जी। विश्व प्रसिद्ध भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा ने श्री श्री 1008 महाकाली विद्यापीठ के पावन प्रांगण में आयोजित भजन संध्या रात्रि जागरण में अपने चिर परिचित अंदाज में प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। उन्होंने प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो श्याम हैप्पी बर्थडे आपको, या राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना के साथ दुर्गा माता श्याम भजन और हनुमान भजनों के कई भजन गाए। उनका हर फनमौला अंदाज भक्तों के सर चढ़कर बोला। बाहर लक्ष्मी गेट स्थित माँ काली मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अजय त्रिवेदी ने बताया कि भजन संध्या का कार्यक्रम रात भर चला। राजू जयपुरिया ने ऑर्केस्ट्रा की धुनों के साथ भजनों की मधुर प्रस्तुतियां दी। भक्तों ने जमकर नृत्य भी किया और भजनों के रस में डुबकी लगाई। जागरण के दौरान कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण शिव पार्वती भगवान गणपति खाटू श्याम जी बांके बिहारी की आकर्षक झांकियों को भी सजाया गया। सुबह तारामाई की कथा हुई और सभी को प्रसाद वितरित किया गया। माँ काली का मनमोहक श्रृंगार भव्य आरती और माता को महाप्रसाद भी लगाया गया। पूरे मंदिर प्रांगण को दुल्हन की तरह सजाया गया। सुरक्षा के मद्देनजर सागर गेट पर कुलदीप स्कूल लगन वाटिका तथा घास मंडी के पास ही सभी वाहनों की पार्किंग हुई। इस कार्यक्रम में लगभग 10,000 भक्तों ने मां के चरणों में अपनी अर्जी लगाई। सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी तैनात रहा। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि झांसी ललितपुर के सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा, बबीना विधायक राजीव सिंह पारीक्षा और कई सारे लोग वहाँ उपस्थित रहे। खुशियों